गोहाना हलके के महलाना गांव में खबर तहलका की टीम पहुंची और वहां के चुनावी समीकरण और राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश की। महलाना गांव में लोग राजकुमार सैनी से बेहद नाराज दिखाई दिए और कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को पूरा गांव समर्थन करता नजर आया। गांव वालों का कहना है कि राजकुमार सैनी ने प्रदेश को जलाने का काम किया है, उसे हम गांव में घुसने भी नहीं देंगे। जगबीर मलिक ने हमारे गांव और हमारे क्षेत्र में पूरा विकास किया है, हमारा वोट हमेशा इनके साथ रहेगा। हमारी संवाददाता ने जब वहाँ के लोगों से बातचीत की तो देखिए उनका क्या कहना है। आप बताइए कौन जीतेगा? जगबीर मलिक। क्यों? काम कराए उन्होंने। क्या काम किया है? बहुत काम किया, विकास विकास किया और करने लग रहे। राजकुमार सैनी नहीं? नहीं, हम जानते भी नहीं उसको। आप बताइए। बढ़िया काम करा जी। किसने? जगबीर मलिक ने जी। और राजकुमार सैनी? नहीं जी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा रहा? क्यों? झूठी सरकार है। झूठी सरकार है जी। नाम मोदी सरकार जोर कोई रहा है। नाम नहीं, कोई काम नहीं। सर आपकी जीत पाएंगे? जगबीर सिंह मलिक बिल्कुल जीतेंगे। दे बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। दे बेटा, इसको आड़ हो रही है। जीतेंगे बिल्कुल, क्लियर है। जगबीर सिंह मलिक जीतेंगे इस बार? अब की बार तो नहीं जीते थे लोकसभा में। वो भी जीत जाएंगे, वो पिछली भी सारी कसर काट देंगे। सर आप बताइए, जगबीर सिंह मलिक जीतेंगे कि नहीं? 100% जीतेंगे। क्यों? उन्होंने हमारे हलके में बहुत सारे काम किए हैं और हमारे बीच रहते हैं 24 घंटे। और दूसरे प्रत्याशी नहीं आते? कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया मोदी सरकार ने? कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं। जगबीर सिंह मलिक जीतेंगे? राजकुमार सैनी ने जो है हरियाणा को चलना है, किसानों के विरोध, जाटों के आपस में जो है जात पात में हरियाणा बांट दिया इन लोगों ने। जीतेंगे, जीतेंगे। किसान विरोधी सरकार है बीजेपी और हम जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और जगबीर सिंह मलिक को बहुमत से जिताएंगे। और इन्होंने जो है कुछ नहीं किया किसी के लिए भी। जगबीर सिंह इसलिए जीतेंगे कि जगबीर सिंह मलिक ने यहाँ लड़कियों की यूनिवर्सिटी बनवाई, पीजीआई बनवाई, सेक्ट्रेट बनवा, गोहाना बाईपास, पता नहीं अनेक काम है जो काम बनाओ कितने। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ विशेषता अग्रवाल, खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।